हाय विलवान, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करें कि एलपीओ टेक्नीशियन का जो जीडीसी का एग्ज़ाम आज था, आखिर इस एग्ज़ाम में इतना सिस्टम में खराबी क्यों था। क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ पे सेंटर पे सिस्टम था, काम नहीं कर रहा था। टाइम दिया गया था 9:30 बजे, सिस्टम ओपन हो रहा है 10:30 बजे, किसी का 10:15 में, किसी का 10 बजे, मतलब एक कोई निश्चित टाइम भी नहीं था। इस सिस्टम किसका है, सिग्नेचर कौन कराएगा, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर थे सारा था अपने सही ढंग से, कोई काम नहीं कर रहे थे। किसी का एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया तो किसी का सिग्नेचर नहीं हुआ है, किसी का जो पैराग्राफ लिखने के लिए था वो भी नहीं हुआ था। लास्ट में कितना लोग लिखा है दूसरे में से देख के पैराग्राफ जो लिखना रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोग बताया ही नहीं कि पैराग्राफ को लिखना है। सब चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ लिखना है कि नहीं लिखना है, सर लिखना है कि नहीं, लेकिन बता ही नहीं रहे थे। अच्छा रुको बताते हैं। फिर पूछा गया कि सर हम लोग का टाइम इतना 9:30 के था, अभी 10 बज गया है, कब ओपन होगा सर? तो सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, ऐसा करके सिस्टम मतलब इतना ख़राब। कौन सा कंपनी के इस तरह से एग्ज़ाम देने के लिए टेंडर जारी किया जाता है, जो कंपनी सही से छोटा सा एग्ज़ाम, मतलब जीडीसी डिपार्टमेंटल है, सोचिए अगर ओपन वैकेंसी में इतने सारे कैंडिडेट रहते तो फिर एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट कर पाता। क्योंकि पहले वाले जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उस कंपनी जो TCS था, कितना अच्छा से एग्ज़ाम ली थी, बिल्कुल शांत से, अंदर में पूरा डिसिप्लिन के साथ, कोई हल्ला हुल्ला नहीं अंदर में। यहाँ जाने के बाद इतना हल्ला हुआ क्या बताएं दोस्तों। और सारे लोग पूछ रहे हैं कि 9:30 हो गया, 10:30 हो गया, किसी का खुल नहीं रहा, किसी का, मेरा खुद से 2 क्वेश्चन हम बनाए, लॉगिन हुआ तो 2 प्रश्न को हम बनाए और उसके बाद सिस्टम ऑफ हो गया। फिर हम बोले सर मेरा बंद हो गया, तो अच्छा रुको करते हैं। फिर 15 मिनट तक हम ऐसे ही बैठे रहे, तब मेरा सिस्टम ओपन हुआ दूसरा सिस्टम पे, बगल वाला एक और काउंटर था उसमें जाके मेरा सिस्टम ओपन हुआ, तब हम एग्ज़ाम दिए और सब लोग एग्ज़ाम क्लोज हो गया। फिर मेरा अंतिम तक चलते रहा, क्योंकि उसमें टाइम आगे पीछे था, तो मेरा पीछे चालू हुआ तो पीछे तक लास्ट तक मतलब चलते रहा, तो हम एग्ज़ाम अच्छा से दिए। बात करें क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन ट्रेड में थोड़ा सा भारी था, हार्ड था क्वेश्चन ट्रेड वाला। बाकी क्योंकि हम लोग का ट्रेड छूट गया है ना, तो उतना अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया था, लेकिन जो 100 नंबर का पेपर था वो बहुत अच्छा गया है। लेकिन इस तरह से एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है बिल्कुल शांतिपूर्वक से, सिस्टम के अनुसार। जितने भी वहाँ पे जो एग्ज़ाम लेने के लिए सारे लोग थे, उनको खुद किसी चीज़ का पता नहीं था। उनको सबसे पहले ट्रेनिंग देना चाहिए था किस तरह से मैनेजमेंट होता है, उन लोगों का किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं है। और बहुत सारे जगह पे ऐसे वीडियो आया है कि जिसमें लोग हंगामा कर दिए, कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम से ना ऑन हुआ, ना टाइम से ऑन हुआ और सारे लोग का टाइम चला गया, तो गुस्सा में लोग पूरा आंदोलन कर दिए और सिस्टम वगैरह तोड़ दिए। तो इस तरह से हुआ है, अब देखिए क्या होता है आगे। आप लोग अगर जीडीसी का एग्ज़ाम दिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। मेरा तो सिस्टम हैक हो गया था और 1/2 घंटा के बाद खुला, यानी 10:15 बजे मेरा ओपन हुआ था, जाके लॉगिन हुआ था, फिर भी बंद हो गया, फिर दोबारा दूसरा सिस्टम में जाके बैठे तो मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोग अगर जीडीसी के एग्ज़ाम दिए, अच्छा तरीका से गया कि नहीं गया, जो सिस्टम में खराबी था वो आपके साथ ऐसा घटना हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कैंसिल होता है या फिर इसी तरह से चलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।